इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह फॉसिल फ्यूल्स के जलने से दो अलग अलग तरीकों से बरसात का पानी एसिडिक हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है, जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि बारिश नेचुरली थोड़ी एसिडिक होती है। जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पीएच 6 बना देता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड रेन बनती है जिसका पीएच 3 तक पहुंच जाता है। जब पीएच 6 से 3 में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिडिटी कितनी बढ़ जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी या 1000 गुनी? वीडियो को रोकिए और सोचिए। ये याद रखिए कि पीएच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में 10 गुना चेंज होता है, तो 6 से 3 में बदलने पर वो 10 × 10 × 10 यानी 1000 गुना अधिक एसिडिक होगी। चलिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर की आवश्यकता होती है, वे इसे सल्फेट से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए पोटेशियम सल्फेट जो नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में स्थित कार्बन एटम्स इनके सल्फर एटम्स से बॉन्ड्स बनाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोयले और तेल के रूप में बदलते हैं तो ये सल्फर एटम्स कार्बन एटम्स से बॉन्डेड ही रहते हैं। कोयले और तेल में सल्फर की मात्रा आमतौर पर 1 और 4% के बीच होती है। आपको क्या लगता है कि इन सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर क्या बनता होगा? वीडियो को रोकिए और सोचिए। जब कोयला जलता है तो सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जहां सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब सोचिए कि नाइट्रिक एसिड बारिश में कैसे आता होगा। हमारे मोटर व्हीकल के सिलेंडर्स में हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रिएक्ट कर सकते हैं। ये याद रखें कि फ्यूल जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है, इसलिए व्हीकल से निकलने वाली गैसेस में कम लेकिन प्रभावी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हवा में होती हैं, तो वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखा था, और बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर ये नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है जो कि अल्कलाइन होती है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हालांकि यदि बारिश न्यूट्रल या एसिडिक सॉइल या वनस्पति पर गिरती है तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये एसिडिटी जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है? जीवित चीजें एसिडिक कंडीशंस में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसे डेमोंस्ट्रेट करना आसान है। ब्रेड की एक स्लाइस विनेगर में और दूसरी शुद्ध पानी में डुबोइए। थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजिए और फिर उन्हें कवर करके एक सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि विनेगर में डूबी हुई ब्रेड पर फंगस नहीं जमी है जबकि दूसरी ब्रेड पर जमी है। वास्तव में हम पिकलिंग नामक एक प्रोसेस में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विनेगर का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं एसिडिक कंडीशंस में काम नहीं कर पाते। दूसरी मेन प्रॉब्लम सॉइल यानी मिट्टी में है, जहां नेचुरली मिलने वाले टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल हैं और इसलिए न्यूट्रल सॉइल के लिए हानिकारक नहीं है। ये एसिडिक सॉइल में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये जीवित चीजों में पहुंचकर जिंक और आयरन जैसे जरूरी मेटल्स का स्थान ले लेते हैं। इसके अलावा एसिड रेन में मौजूद हाइड्रोजन आयन्स जरूरी मेटल आयन्स को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो आमतौर पर क्ले सॉइल में रहते हैं। इसके कारण ये जरूरी मेटल्स पौधों की जड़ों से दूर बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य बारिश थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन एसिड रेन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है जिससे बारिश 1000 गुना ज्यादा एसिडिक और कई जीवित चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स के जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन्स के सिलेंडर्स में उच्च तापमान की कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है।